Assalamualaikum viewers, आज हम वालेकुम सलाम हाशिर, हम लोग आज अपना एक न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ आए हैं और इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये इस न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे आज बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ, सही है? तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हाशिर? व्हाट इज दिस? विनेगर हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम बेकिंग सोडा और विनेगर को जब ब्लेंड करेंगे तो एक छोटा सा वॉल्केनिक इरप्शन टाइप का इसमें आपको नजर आएगा और डिफरेंट कलर्स के साथ करेंगे टू मेक इट अ फन डिफरेंट कलर के साथ हम करेंगे ताकि थोड़ा सा इसको और बच्चों के लिए फन और एंगेजिंग बना सकें। तो हाशिर हम पहले कौन से कलर पिक करें? सही है। अब फूड कलर के बाद हम डालेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डालिए, स्पून रख दीजिए, ग्लास के अंदर डालिए बेकिंग सोडा, थोड़ा सा डालना बस। सही है, थोड़ा सा और डाल दीजिए बेकिंग सोडा, मिक्स नहीं कीजिए, फ्राई नहीं दीजिए। भाषे इसमें विनेगर डालिए, डालो डालो ज्यादा और ज्यादा ज्यादा डालना है। तो ये हो गया हमारा रेड कलर के साथ एक्सपेरिमेंट। अब कौन सा कलर पिक करना है फिर? कलर का नाम बताइए नीचे। ओके गाइस, हम लोग अब दूसरा अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्रीन कलर के साथ। हाशिर स्पून पिक कीजिए। वेट। ओके, अब बेकिंग सोडा डालिए, स्पून रख दीजिए, बस बस थोड़ा सा और। वेट वेट जी, अब विनेगर डालिए और सामने खड़े होकर ज्यादा डालिएगा। देखा, बबल्स उठ रही हैं। यस, सही है। ओके हाशिर, अब कौन सा कलर रह गया? कौन सा कलर है? येलो। ओके, ओके नाउ इसको डाल दीजिए। अब बेकिंग सोडा, और डालते रहो ना, बस एक सेकंड, अभी एक सेकंड, ज़्यादा
गाइस आज का हमारा पैनामेड ये कंप्लीट हुआ बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ और आप इसको इसमें फूड कलर इस्तेमाल करें सही है ताकि उसको और फन एक्टिविटी बना सकें और इसमें आप विनेगर और बेकिंग सोडा अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वॉल्केनिक इरप्शन तो वॉल्केनिक इरप्शन इसकी और ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा एक्सप्लोड इरप्ट होके ये बाहर निकलेगा कप ओवरफ्लो करेगा कप से बाहर आ जाएगा ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा